तो आज हम बनाएंगे रसमलाई, बहुत ही रस भरा, टेस्टी एंड इजी स्वीट डिश। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन फूड बाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फुल ए टू जेड प्रोसीजर के साथ। तो इसके लिए हम लेंगे दूध एंड दूध को हमें अच्छे से बॉईल करना है जब तक इस पे ये मलाई जम ना जाए। अब हम लेंगे एप्पल साइडर विनेगर एंड इसे हम एक कटोरी में एक चम्मच यूज करेंगे। साथ ही में इसमें हम कुछ दो चम्मच पानी मिलाएंगे एंड अब हम इसे स्पून बाय स्पून इस दूध में ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि दूध पूरा बॉयल था तो एप्पल साइडर विनेगर ऐड करते वक्त हम इसे रेगुलर स्टर करते रहेंगे एंड फ्लेम लो फ्लेम पे रखेंगे। इसे 2 से 3 मिनट उबाल आने तक हम वेट करेंगे एंड इसे फिर से स्टर करेंगे एंड आप देख सकते हो ये ऑलरेडी पनीर बन चुका है। अब इस पनीर का इस्तेमाल करेंगे हम रसमलाई बनाने के लिए। तो पनीर को हमने छन्नी की मदद से ऐसे छान लिया है ताकि इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए एंड चम्मच की मदद से हम इसे हल्का प्रेस करके इसका जो भी बचा हुआ पानी है उसे भी ड्रेन आउट कर लेंगे। अब इस पनीर को हम फ्रेश वाटर से रिंस करेंगे ताकि इसका जो भी अपन हुआ एप्पल साइडर विनेगर डालने की वजह से वो पूरा निकल जाए एंड हम हाथ से इसे प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी एक्सेस वाटर हो वो बिल्कुल ना रहे। तो अब इसे हम ट्रांसफर कर लेते एक मलमल के कपड़े में एंड इस मलमल के कपड़े के माध्यम से हम हल्का पानी जो बचा हुआ था उसे निचोड़ लेंगे एंड इसे निकाल के हम मैश करेंगे। हमें इस पनीर को बहुत ही अच्छे से एक स्मूथ टेक्सचर देना है। सो फॉर 10 to 15 मिनट्स कंटिन्यूस हमें अपने फिंगर एंड अपने पाम के एंड से इसे अच्छे से एक डो फॉर्म होने तक मलना है। ये हो गया रेडी। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमने पानी में एक कटोरी चीनी लिया है, साथ ही में 2 छोटी इलायची जिसे हम कूट के इस चाशनी में डाल देंगे। अब हमने जो ये डो तैयार किया था इसका थोड़ा सा अमाउंट हम लेंगे एंड इसे अपने दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से मल लेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे ऐसे गोले तोड़ेंगे एंड इन छोटे गोलों को भी हम अब एक एक रसमलाई का शेप देंगे। तो इनको हम ऐसे हल्का राउंड करके अपने दोनों हाथों के बीच में से थोड़ा दबाएंगे ताकि ये थोड़ी सी चपटी हो जाए एंड सेम प्रोसीजर अपनाएंगे अपने बाकी गोलों के साथ। तो इसी तरह हमें इस पूरे पनीर के डो के साथ करना है एंड ये हमने तैयार करके रख लिए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने जो रसमलाई तैयार करके रखी हुई थी उसे अब हम इस थोड़े से चाशनी में डुबाएंगे एंड इसे मीडियम लो फ्लेम पे ढक के बॉईल करेंगे कुछ 3 से 5 मिनट तक। अब ये हो चुका है तो आप देख सकते हो अब ये ऊपर आ चुका है तो ये हल्का पक चुका है बट अभी इसे और पकना बाकी है। तो अभी ये जितने भी रसमलाई यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हम इसे थोड़ा सा फैला के इसे फिर ढक देंगे। अब हम बनाएंगे रसमलाई का रस। तो इसके लिए हमने दूध लिया है, यहाँ पे हम कुछ छोटी इलायची कूट के यहाँ पे डालेंगे ताकि दूध में फ्लेवर आ जाए एंड इसे थोड़ा स्टर कर लेंगे एंड दूध को हम मीडियम लो फ्लेम पे गरम करेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आप बेफेलो मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच दूध लेंगे एंड इसमें हम स्टर करेंगे थोड़ी सी सैफ्रॉन ताकि थोड़ा रिच लुक आए एंड केसर का कलर भी आ जाए। तो आइए इसे थोड़ा दूध में डाल देते हैं एंड इसे कर लेते हैं मिक्स एंड इसे हम ऐड करेंगे अब इस दूध में एंड इस दूध को हम थोड़े देर और खोलने देंगे एंड इसका कलर ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया है। तो अब देख लेते हैं अपने रसमलाई का कैसा है हाल। तो ये अब हमारा रसमलाई भी अच्छे से पक चुका है, साथ ही में हमने ये जो बनाया था रसमलाई का रस ये भी गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर बारीक कटा हुआ आलमंड्स एंड इसे मिक्स कर लेंगे एंड थोड़ी देर के लिए और खोलने देंगे एंड मिला लेंगे हम कुछ 2 से 3 चम्मच चीनी। यहाँ पे बर्नर हम अपना लो फ्लेम पे कर लेंगे एंड हमने ये जो रसमलाई बना के रखी थी अब टाइम है इसे रस में डुबोने का। तो आइए इन सभी को ऐसे से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप इसे चाशनी से निकालें एंड रस में डुबोएं इसे थोड़ा जेंटली हैंडल करें क्योंकि ये टूटे ना। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी नज़र आ रहा है। आई जस्ट कांट वेट टू टेस्ट इट। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसे कब ट्राई कर रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आइए इस लास्ट पीस को भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एंड ये हो गया ट्रांसफ़र। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी जो इसकी रस की होनी चाहिए थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। तो हम इसे रस में कुछ 2 से 5 मिनट के लिए और खोलने देंगे एंड इसे हम अब थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे एंड इसके गाढ़ा होते ही अभी हम इसे सर्व करेंगे एंड इसे ऊपर से हम गार्निश करेंगे चॉप्ड आलमंड से, पिस्ता
एंड साथ ही में कुछ सैफ्रॉन से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रसमलाई की A to Z रेसिपी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।